हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस में। और यहाँ पे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपकी मास्टर आंसर की आई थी उसमें कौन सी शिफ्ट में अभी भी कौन सा जो उत्तर है वो गलत दिया गया है। मैंने आपसे पूछा था तो कुछ कैंडिडेट्स ने बताए हैं, उनके चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो अभी भी गलत दिए गए हैं। और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मुझे एन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए CBT 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप तुरंत फॉलो कर लें। और अगर आपके पास में अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है तो आप मुझे सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वहाँ पर पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का डाउट है कि कौन कौन से प्रश्न गलत दिए हैं। वैसे तो आप लोग देख रहे होंगे मास्टर आंसर की में बहुत ही कम गलतियां हैं, लेकिन जो भी हैं एक दो उनको देख लीजिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी सोच सकते हैं कि आपका जो है नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था एक वीडियो के माध्यम से कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया है 20 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट है इसके अंदर एक प्रश्न गलत दिया हुआ है। इसमें एक्चुअली दो प्रश्न इन लोगों ने बताए हैं। एक तो है आपका फोर्स की डेफिनेशन को, जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट लॉ से आती है, जबकि रेलवे ने इसको दूसरे से माना है। दूसरा है इसमें एक ट्रांसलेशन एरर दिया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो ट्रांसलेशन में इंग्लिश में सही दिया है तो ये इंग्लिश को ही हमेशा सही माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम के दौरान, तो उस पर तो शायद ही आपको मार्क्स मिले। लेकिन जो आपका ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स है ये, इस पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, इसको एक बार जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाई देगा। 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो मास्टर आंसर की है आपके पास में, नीचे इन्होंने बताया है उसमें से 2 क्वेश्चन गलत मिले हैं। एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन गलत मिले हैं इसी शिफ्ट में जो ये ऊपर बता रहे हैं। 4 क्वेश्चन गलत हैं 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में, जबकि एक दूसरे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि 2 गलत हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी गलती है 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए और देख लीजिए किस में गलत दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, ये वाला आप कमेंट देख रहे हैं, 14 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है क्वेश्चन रॉन्ग है और उसका आंसर 700 होगा, जबकि 720 ऑप्शन दिया गया है करेक्ट। तो इसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे अगर ये सही बोल रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा, 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये वाला 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें भी मिस्टेक है। तो आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर ये आपका सही है तो भी आपको इस बार मार्क्स मिलने चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लें अपने। ठीक है, और ये बोल रहे हैं नीचे आप, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये कि सेकंड जो शिफ्ट है 21 की उसमें करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है तो उस पर क्या मार्क्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा है कि कोई करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो उसके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये क्वेश्चन अभी भी गलत हैं, एक बार आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपकी इस त्रुटि सही कर दी जाती है तो आपको डेफिनेटली इसके मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ था तो आपको चांसेस बन जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए ताकि अगर किसी और की शिफ्ट में भी गलत हैं या आपकी शिफ्ट में गलत हैं वो चीज़ भी आप यहाँ पर बता सकते हैं।